आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें अभिक्रिया दी गई है जो कि हमारे पास है 2a + b और ये क्या हो रहा है, उत्पाद हमारा प्राप्त हो रहा है a2b। इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर वेग समीकरण दिया गया है, ठीक है, जो कि कितना है के ए और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है b^2। यहाँ पर दोस्तों हमें के का मान दिया गया है, वेग स्थिरांक का मान दिया गया है और बोला गया है कि प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें प्रारंभिक वेग की गणना करनी है और साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर ए का सांद्रण दिया गया है और बी का सांद्रण दिया गया है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर अभिक्रिया की वेग की भी गणना करनी है, जहाँ पर दोस्तों हमें ए की सांद्रता घटकर कितनी हो जा रही है, इतनी हो जा रही है, ये हमें प्रश्न में बोला गया है। तो दोस्तों एक एक करके हम यहाँ पर वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें जो अभिक्रिया दी गई है, इस अभिक्रिया को हम यहाँ पर लिखते हैं कि अभिक्रिया हमारी किस तरह की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये जो हमारी अभिक्रिया है, इसमें हमारा क्या है, 2a यहाँ पर क्या हो रहा है, बी से क्रिया कर रहा है और हमारा उत्पाद क्या निर्माण कर रहा है, a2 बी का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, ये दोस्तों इस तरह से हमारी रासायनिक समीकरण है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है वेग स्थिरांक, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो दर समीकरण दिया गया है, दर समीकरण कैपिटल R इज इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा दोस्तों हमारा के वेग स्थिरांक और यहाँ पर हमें दिया गया है ए का सांद्रण, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। इसी तरह से बी हमारा जो है दोस्तों अभिकारक बी जो है इसकी सांद्रता कितनी है, वो है 2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इन दोनों की इस तरीके से दी गई है दर समीकरण। अब दोस्तों यहाँ पर हमें प्रारंभिक दर यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है, प्रारंभिक दर की गणना करनी है। तो दोस्तों हम जानते हैं प्रारंभिक दर को हम किससे डिनोट करते हैं, दोस्तों इसे हम यहाँ पर, ये जो हमारा ए है, ठीक है, ए की सांद्रता, इसके लिए दोस्तों हम डेल ए निकालेंगे, यही हमारी क्या कहलाएगी, प्रारंभिक दर कहलाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस तरह से निकालते हैं प्रारंभिक दर, ठीक है, प्रारंभिक दर इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा के, के की वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है 2.0 × 10^-6 हम यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो गया 2 × 10^-6 हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। ए की सांद्रता, ए की सांद्रता हमें कितनी दी गई है, 0.1, तो हम यहाँ पर रखेंगे 0.1, ठीक है। बी की सांद्रता, बी की सांद्रता कितनी दी गई है, 0.2, तो हम यहाँ पर रखेंगे 0.2 और इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रारंभिक दर कितनी आ जाएगी, 8 × 10^-9 mol, ये आ जाएगी हमारी प्रारंभिक दर, ठीक है। अब दोस्तों प्रारंभिक दर हमें यहाँ पर मिल गई, तो इसका जो यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये होगी दोस्तों इसकी इकाई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ए की सांद्रता में कमी निकालते हैं, ठीक है, ये जो हमारा ए है यहाँ पर, ये जो हमारा ए की सांद्रता में कमी हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, ठीक है। हमारी प्रारंभिक दर निकल गई, ए की सांद्रता में हम कमी निकालते हैं, तो दोस्तों हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम डेल ए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और प्रश्न में बोला गया कि डेल ए जो है घटकर क्या हो रहा है, 0.06 मोल हो जाता है। तो दोस्तों हमारी पहले कितनी थी, वो थी हमारी 0.1 थी, तो 0.1 से हमारा क्या हो रहा है, 0.06 हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो हमारी डिफरेंस निकल जाएगा, तो दोस्तों हमारी जो डेल ए है इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.04 मोल प्रति लीटर, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बी की सांद्रता में कमी निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है बी की सांद्रता में कमी हम यहाँ पर निकालते हैं। तो दोस्तों बी की सांद्रता में हम कमी किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेल बी की सांद्रता इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा हाफ, हाफ क्या होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इसके क्या है, स्क्वायर में है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इसकी सांद्रता दुगुनी है, तो हम इसे आधा करेंगे, हाफ इंटू कितना है, 0.04, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 0.04 क्यों रखें, क्योंकि हमारी जो ए की सांद्रता है इसका हमने यहाँ पर हाफ रखा, जो कि बी की सांद्रता होगी, तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.02 मोल प्रति लीटर, ये आ गई दोस्तों हमारी बी की सांद्रता में कमी। तो दोस्तों अब हमारी बी की बची हुई सांद्रता कितनी है, अब हम निकालते हैं बी की बची सांद्रता। तो दोस्तों बी की जो हमारी बची सांद्रता है वो हमारी पहले कितनी थी, पहले थी हमारी दोस्तों 0.2, हमने यहाँ पर रखा था वो 0.2, इसमें हम माइनस करेंगे हमने जो निकाली है 0.02 को, तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.18, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी बी की बची हुई सांद्रता यहाँ पर निकल गई, ठीक है, तो बची हुई सांद्रता निकल गई, तो अब हम इसके लिए दर निकालते हैं, तो दर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के ए की सांद्रता और ये हो जाएगा बी का सांद्रता का स्क्वायर, जो कि हमें यहाँ पर समीकरण के रूप में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, पहले प्रश्न में हमें समीकरण के रूप में दिया गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर इन सभी वैल्यू को रखते हैं, तो दोस्तों के की वैल्यू
के की वैल्यू हमें पता है कितना है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है। ए की सांद्रता कितनी है, वो है 0.06 है, ब्रैकेट बंद। बी की सांद्रता कितनी है, वो है 0.18 और इसका स्क्वायर। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3.89 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और इसका यूनिट क्या होगा, दर है, इसलिए इसका यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और यही दोस्तों मैं प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।